हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी एकेडमी पे। मैं अविनाश कुमार आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोग ने एक सेशन कर चुका है, दूसरा सेशन कर रहे हैं आज। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है आज के, एनिमोफिली इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट फाउंड इन। एनिमोफिली पॉलिनेशन इसमें से किस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्रास, ऑप्शन बी मैदे, ऑप्शन सी वेट, ऑप्शन डी स्लाइवा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्लाइवा। उसके बाद सीड विथ इंडोस्पर्म इज नॉन एज, सीड विथ इंडोस्पर्म इज नॉन एज, ऑप्शन ए एपोकार्पिक, ऑप्शन बी पॉली एम्ब्रियोनोमी, ऑप्शन सी इंडोक्रापिक, ऑप्शन डी इंडोस्पर्मिक। तो सीड विथ इंडोस्पर्म किसके साथ नाम से जाना जाता है? तो इंडोस्पर्मिक के नाम से जाना जाता है। नेचुरल पार्थोनोजेनेसिस, नेचुरल पार्थोनोजेनेसिस किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए ड्रोसोफिला, ऑप्शन बी हाउस फ्लाई, ऑप्शन सी हनी बी, ऑप्शन डी ऑल। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है? तो इसमें से सिर्फ हनी बी में पाया जाता है। द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म, द एंडोस्पर्म इज इन एंजियोस्पर्म हैप्लोइड डिप्लोइड या ट्रिप्लोइड होता है या टेट्राप्लोइड होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ट्रिप्लोइड। एंडोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में कैसा पाया जाता है? तो ट्रिप्लोइड पाया जाता है। द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो होता है एंडोस्पर्म वो कैसा होता है? तो हैप्लोइड होता है। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन हम देखें कि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉयड और इंडोस्पर्म में हैप्लॉयड, ये क्वेश्चन सब भी आया है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान पे याद करिएगा। म्यूसिस इन एंथर अकर्षिव इंडोस्पर्म सेल पॉलेंस टेप्टल सेल, ऑप्शन डी एस्पर एस्पोर मदर सेल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा एस्पोर मदर सेल। म्यूसिस किस में, म्यूसिस इन एंथर किस में होता है? तो एस्पोर मदर सेल्स में होता है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर स्टिग्मा फिलामेंट या पोलन सैक। पोलन ग्रेन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो पोलन ग्रेन पोलन सेक से प्रोड्यूस होते हैं। द पोलन इज हैप्लोइड डिप्लोइड ट्रिप्लोइड या ऑप्शन डी टेट्राप्लोइड। हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए हैप्लोइड। पोलन क्या होते हैं? तो हैप्लोइड होते हैं। फिर हमारे नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन वो है एनिमोफेली इज द पॉलिनेशन थ्रू, ऑप्शन ए एनिमल, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी बर्ड, ऑप्शन डी इंसेक्ट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एयर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटोमोफिली, इंटोमोफिली इज पॉलिनेशन थ्रू ए वाटर, बी इंसेक्ट, सी एनिमल, ऑप्शन डी एयर। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? इंसेक्ट। तो ये भी आप लोग को याद करना है, एनिमोफिली इंटोमोफिली कहाँ होता है, ये सब चीज आप लोग ध्यान से रखेगा। और सबसे बड़ी बात है, यदि आप लोग इसका नोट्स एनसीईआरटी नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप लोग को इसका एनसीईआरटी नोट्स हैंड मतलब अच्छे से लिखा हुआ आप लोग क्यूक रिविजन करके उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इलेवंथ नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा इलेवंथ नंबर क्वेश्चन है इंडोस्पर्म सीड्स आर फाउंड इन ए कस्टर्ड, ऑप्शन बी ब्रेली, ऑप्शन सी कोकोनट, ऑप्शन डी ऑल। तो मेरा राइट आंसर होगा इंडोस्पर्मिक सीड्स किस में पाए जाते हैं? तो क्लस्टर में पाए जाते हैं, ब्रेली में भी पाया जाता है और कोकोनट में पाया जाता है, ऑप्शन हमारा डी राइट होगा ऑल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, इनमें से कौन है जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है? ऑप्शन ए जोस्टर, ऑप्शन बी वेलिसेरिया, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हेड्रिला, ऑप्शन डी कैनेबिस। तो हमारा राइट आंसर होगा वो कैनेबिस होगा, ऑप्शन डी कैनेबिस। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजर सीड्स कोट्स ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो सेक्स इंटीगुमेंट, ऑप्शन सी ओव्यूल, ऑप्शन डी कलाजल रीजन, कलाजल रीजन। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी इंटीगुमेंट। क्या होता है? तो फर्टिलाइजर्स के बाद जो है सीड कोट्स किस में डेवलप हो जाते हैं? तो इंटी गुमेंट्स में डेवलप हो जाते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन हमारा है क्रॉस पॉलिनेशन इज बेनिफिशियल बिकॉज इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेल ऑफस्प्रिंग, वीकर प्रोगेनी, बेटर प्रोगेनी और फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो क्रॉस पॉलिनेशन हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि बेटर प्रोगेनी के लिए, बेटर प्रोगेनी करवाता है ये। डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इनमें से किसका करेक्टर है? ऑल एंजियोस्पर्म का, ऑल जिम्नोस्पर्म का या पोनोगैमी का या स्पर्मेटोगैमिक स्पर्मेटोफाइट का। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन किसके लिए अच्छा है? तो जितने एंजियोस्पर्म है सबके लिए अच्छा है। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों का कल यानी 10 तारीख से बिहार बोर्ड के बच्चों क्लास 12th का प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए और उसमें
अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क्स लगेगा, क्योंकि आपका अगर बायोलॉजी से है तो आपका मार्क्स कितना होगा, 30 + 30 + 30 यानी 90 मार्क्स का। और देखा जाए तो ये कितना परसेंट हो जाता है, तो 15% वैली करता है। आप इसमें से कम 14% लाने का कोशिश कीजिएगा। 100% 14% मार्क्स इसमें से आपको उठेंगे, 90 में से, यानी आपको कहाँ तक लाना है, 85 मार्क्स तक लाना है। 15 × 6 = 90 नहीं, उससे ज्यादा होगा, 5 = 18% है। आप लोग कम से कम 16% या 17%, 16 से 17% लाने का मार्क्स कोशिश कीजिएगा इस एग्जामिनेशन में, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में, मान लीजिए आप लोग 60% वहाँ लाते हैं, थ्योरी पेपर में 60% मार्क्स ला रहे हैं आप लोग, तो यहाँ 17% आपको मिलता है, तो आपको 77% हो जाता है। या वहाँ आप 70% लाते हैं तो सीधे 80%, 87%। आप वहाँ 100% भी मार्क्स लाते हैं तो भी आपको ये 17% मार्क्स जो है सो वैल्यू करता है आपके आगे के एग्जामिनेशन के लिए। तो आशा करता हूँ कि कल का आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग का एग्जाम, जो मेरे व्यूवर हैं, जो मेरे व्यूवर नहीं है और क्लास 12th के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सभी का एग्जाम मार्क्स अच्छा कर रहा है। धन्यवाद।